इस वक्त मैं मौजूद हूँ संत मरिया महागिरजा घर में, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद है फादर जिनका नाम है आनंद डेविड। तो हम इनसे जानेंगे कि पाम डे, पाम संडे यानी कि किस तरह मनाया जाता है। वैसे तो खजूर की पत्तियों से पूरी तरह सजावट की जाती है और वही काफ़ी हर्षोल्लास के साथ इस पर्व को भी मनाया जाता है। हमारे साथ फादर जुड़ेंगे और हम इनसे जानेंगे कि क्या कुछ होता है इस पर्व में और क्या महत्व होता है इस पर्व का, और सबसे ज़्यादा खजूर पत्तियां ही क्यों बिकती है मार्केट में, सजावट के लिए खजूर पत्तियों को ही क्यों चुना जाता है। फादर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। और अभी जो चल रहा है यानी कि कल पाम संडे है, लोग इसकी तैयारियों में पूरी तरह से जुट चुके हैं, मार्केट में पूरी तरह से रौनकें नज़र आ रही है। क्या कुछ होता है फादर इस पाम संडे में? ये पाम संडे हम क्रिश्चियन भाई बहनों के लिए, विश्वासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है जी। चूँकि आज ही के दिन में हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त यरूशलेम मंदिर की यात्रा करते हैं जी। और ये यरूशलेम मंदिर जाते हैं और वहाँ पहुँचने के उस दरमियान लोग इस मसीह को, यीशु ख्रिस्त को बहुत ही सम्मान के साथ यरूशलेम मंदिर ले जाते हैं। और इस यात्रा के दौरान लोग खुशी से आदर दिखाते हुए अपनी क्षमता के मुताबिक लोग रास्ते में जो थोड़ा धनी मानी है वे लोग कपड़े बिछा देते थे, और जो गरीब हैं जिनके पास वो क्षमता नहीं है कि कपड़ा खरीद करके रास्ते में बिछाएं, और इसलिए वहाँ उस समय जैतून की जो नन्ही डालियाँ हुआ करती थी उसी को लोग काट काट करके रास्ते में बिछा दिए। ये एक प्रतीक है उस यीशु मसीह को जिसे हम एक राजा कहते हैं, उसे ससम्मान यरूशलेम मंदिर ले जाने का। इसलिए यीशु ख्रिस्त को एक आदर दिखाने का एक प्रक्रिया है, या तो एक एक क्रिया है कहेंगे, या और उसी को अभी हम कैथोलिक चर्च वाले या तो पूरे ख्रिस्तीय समुदाय उसी को याद करते हैं। और अपने पल्लियों में, अपने पैरिशों में, अपने जगह में आज हम भी उसी यीशु ख्रिस्त को यरूशलेम मंदिर ले जाने की वो प्रक्रिया को पूरा करते हैं, और संकेत स्वरूप हम खजूर की डाली प्रयोग करते हैं। क्या कुछ फादर, क्या कुछ संकेत देता है ये खजूर का डाली? एक खजूर का डाली एक पवित्रता का संकेत देता है, और एक क्या कहेंगे, इसका कोई बहुत स्पेसिफिक अर्थ तो नहीं है, लेकिन ये एक उस समय चूँकि वहाँ लोग खजूर की डाली जो अगल बगल में था यरूशलेम मंदिर के आसपास, जैतून की डाली, खजूर की डाली, और इसलिए उसे तोड़ करके नन्ही डाली को लोग बिछा दिए। और इसलिए हमारे पास भी चूँकि खजूर है, अवेलेबल है हमारे क्षेत्र में, और इसलिए हम उस खजूर की डाली को काट करके बिछा देते के कारण जो है उस पत्तियों से प्रभु को हम याद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, चूँकि उस घटना के दौरान वो डालियाँ डाली गई थी, बिछाया गया था, और चूँकि वही डाली आज हमारे पास में है, खजूर की डाली आसानी से मिल जाता है, और इसलिए हम भी उसी को याद, उसी घटना को याद करते हुए इसे हम बिछा देते हैं जी। घर को आप किस तरह से सजाते हैं, घर की राहों को किस तरह सजाते हैं? जैसे कि आप बोले कि प्रभु यीशु जब आ रहे थे तो उनके राह पे हमने बिछाया था जैतून के पत्तियों को और खजूर के पत्तियों को। हालांकि लोगों के पास अभी जैतून के पत्तियां अवेलेबल नहीं होती है, खजूर के पत्ती होती है, तो उसे आप घर पे किस प्रकार सजाते हैं? देखिए, ये बहुत ही एक सम्मानजनक बात ही है कहूँगा मैं, इसलिए चूँकि वो जो खजूर की डाली जिसे हम घरों से या तो अपने बगान से काट करके ले आते हैं, जिनके पास नहीं है वो बाज़ार से ख़रीद भी लेते हैं, और इसे ख़रीदने के बाद में खजूर रविवार को ज़रूर उस समय जब यीशु चल रहे थे उस समय रास्ते में लोग बिछाए। आज यीशु ख्रिस्त चल नहीं रहे हैं, अभी हमारे बीच में यीशु ख्रिस्त नहीं है, लेकिन हम उसकी स्मृति में ये कर रहे हैं, उसकी यादगारी में कर रहे हैं, और इसलिए हम रास्ते में खजूर की डाली को नहीं बिछा रहे हैं, लेकिन हम अपने हाथों में उस डाली को पकड़ करके हम जय जयकार करते हुए गिरजाघर में प्रवेश करते हैं।
हाँ, और इसीलिए ये डाली हम अपने हाथों में लेते हैं और इस डाली को विशेष रूप से आशीष दिया जाता है, आशीष किया जाता है, और इसलिए ये डाली पवित्र हो जाता है आशीष करने के बाद में। और इसलिए इस डाली को हम लोग यूं ही नहीं फेंकते हैं, बल्कि हम इसे गिरजाघरों में सजाते हैं प्रार्थना के दौरान। आप देख सकते हैं अभी कुछ समय के बाद में गिरजाघर में खजूर डाली से ही सजाया जाएगा, और फिर जो खजूर हम अपने हाथों में लेकर के जय जयकार करेंगे, जो कि आशीष किया हुआ रहेगा, हम उसे अपने घरों में ले जाएंगे और घरों में हम उसे सजा करके रखते हैं। जहाँ तस्वीर है, यीशु ख्रीस्त की तस्वीर है, वहाँ रखते हैं, या तो दरवाजे में डालते हैं, चूँकि वो एक पवित्रता का चिन्ह है और वो आशीष किया हुआ है, और इसलिए हम लोग उसे सम्मान के साथ घरों में रखते हैं। और फिर यही डाली जिसे आशीष किया गया है आज रविवार को पास्का खजूर रविवार को जो आशीष किया जाएगा, इस डाली को हम लोग अच्छी तरह सुरक्षित रखेंगे, और आने वाला साल जब चालीसा काल शुरुआत होगी, जो अभी हम लोग चालीस काल में हैं, इस काल की शुरुआत होगी, तो इसी डाली को जला करके राख तैयार किया जाता है, और इसी राख को हमारे माथे पे लगाया जाता है राख बुधवार को। हाँ, राख बुध को हम लोग कहते हैं, और उसी दिन से हम लोग चालीसा काल की शुरुआत करते हैं। इसलिए ये साधारण राख नहीं है जो हम चालीसा काल की शुरुआत करते हैं, जो हमारे माथे में लगाया जाता है, क्रूस जिसे बनाया जाता है, ये साधारण राख नहीं है, लेकिन इसी खजूर की डाली को ही, आशीष किया हुआ डाली को ही जलाया जाता है और राख बनाया जाता है। क्रूस आप वहाँ पे माथे पे लगाते हैं, उस डाली जो उसे आप जलाने की बात की, उसकी जो राख बजते जो पवित्र होता है, तो वो क्रूस जो होता है सर, उसे लगाने का क्या कुछ संदेश होता है? लोग जो होता है कहीं ना कहीं कहते हैं कि परेशानियों से कहीं ना कहीं मुक्त करता है वो चीज़। ऐसा नहीं है, परेशानी से मुक्त करता है ऐसी बात नहीं है। ये जिस समय हमारे माथे पे लगाया जाता है, उस समय कहा जाता है, हे मनुष्य, तू मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, वो एक प्रतीक है, चूँकि हम लोग डस्ट से बने हुए, मिट्टी से बने हुए हैं, और इसलिए उस समय हमें हमारे माथे पे डाला जाता है, और हमें याद दिलाया जाता है कि हम क्षणभंगुर हैं, मिट्टी से बने हुए, और जब मरने के बाद हम उसी मिट्टी में मिल जाएंगे। साथ में ये शब्द भी बोला जाता है, चाहे तो आप वो शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, पश्चाताप करो, सुसमाचार का विश्वास, सुसमाचार में विश्वास करो। तो ये चालीसे काल में जब हम चालीसे काल की शुरुआत करते हैं, इसी राख के मलन के द्वारा क्रूस चिन्ह बना करके, ये हमें याद दिलाता है कि अब हम चालीसे काल में प्रवेश कर रहे हैं, यीशु ख्रीस्त के दुख भोग में प्रवेश कर रहे हैं, और हमें जो भी खामियां हैं, कमजोरियां हैं, बुराइयां हैं, पाप दोष है, उससे हमको छुटकारा पाना है, और इसलिए यीशु ख्रीस्त का चिन्ह बना करके हमें ये बतलाया जाता है कि किस तरह से यीशु ख्रीस्त उस क्रूस पर मरे, हमारे पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिए, और आज आपके माथे पे वही क्रूस का चिन्ह बनाया गया, और आज आपको ये बतलाया जा रहा है कि आप जिस प्रभु ने आपके लिए मरा, पापों के लिए मरा, आप उस पाप से छुटकारा पाने का प्रयास कीजिए। और इसलिए चालीसे काल में हम प्रयास करते हैं कि हमें जो भी कमजोरियाँ हैं, पाप दोष है, बुराइयाँ हैं, उससे हम छुटकारा पाएँ। कहीं ना कहीं घर में तैयारियां जो है पूरी ज़ोरों शोरों से चल रही है, मार्केट में तो रौनक देखने को मिल ही रहा है, और अब चर्च का है, जो चर्च की तैयारियां किस तरह से कर रहे हैं? चर्च की तैयारी देखिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ा पर्व नहीं है, हमारा मेन पर्व या तो सबसे बड़ा पर्व होगा ईस्टर जी, और उसी की तैयारी है। कल रविवार, खजूर रविवार, इस दिन से हम लोग क्या करेंगे, पवित्र सप्ताह में प्रवेश करते हैं। हम लोग पूरा ये सप्ताह को पवित्र मानते हैं, और चूँकि विशेष रूप से हम लोग यीशु ख्रीस्त के दुख भोग का स्मरण करते हैं, याद करते हैं, इसलिए देखिएगा गुड फ्राइडे आप कहेंगे, उस दिन यीशु ख्रीस्त हमारे लिए क्रूस पर अपने आप को बलिदान कर देंगे। हाँ, और इसलिए ये पवित्र सप्ताह के में ही ये घटनाएँ घटती हैं। तीन दिन के बाद में यीशु ख्रीस्त क्रूस में मरने के बाद में कब्र में जाएंगे, और इसलिए ये सप्ताह, ये पवित्र सप्ताह एक ऐसा समय है, ऐसा क्षण है कि इसी खजूर रविवार के साथ हम साथ ही हम इस पवित्र सप्ताह में प्रवेश करते हैं, और पूर्ण रूपेण यीशु ख्रीस्त के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान पर हम चिंतन करते हैं। कहीं ना कहीं जो है खजूर संडे गुजर जाने के बाद जागरण होता है,
रात जो होती है, फिर जागरण शुरू होता है सर, तो उस जागरण में क्या कुछ होता है? ये जागरण है कि केवल एक दिन होता है ये रात्रि जागरण, वो होगा पुण्य शनिवार को जी। और वो ऐसा समय है जब यीशु ख्रिस्त कब्र में होते हैं जी, बिल्कुल। और फिर बड़े सवेरे कहा जाता है कि यीशु ख्रिस्त मृतकों में से जी उठते हैं जी। और इसलिए हम लोग उसी की तैयारी में हम लोग रात में जागरण करते हैं उस पास्का को मनाने के लिए। और इसलिए हम लोग उस दिन 10:30 बजे से मिस्सा पूजा में पास्का पर्व में हम लोग प्रवेश करेंगे, और जो कि 12 बजे के बाद में संपन्न हो जाएगा जी। और इसलिए हम लोग उस दिन रात्रि जागरण करते हैं जी। डेविड खलको फादर हमारे साथ मौजूद है, और इन्होंने आपको तमाम जानकारियां दी कि खजूर संडे जो होता है किस तरह से मनाया जाता है, पर वो यीशु की याद में मनाया जाता है, और हालांकि वो इन हम सबों के बीच में तो नहीं है, पर उनके याद में घर को किस तरह से उस खजूर के पत्तियों से सजाया जाता है, उस पवित्र खजूर के पवित्र राख को किस तरह से क्रूस बना के अपने माथे पे लगाया जाता है, और उनको याद किया जाता है। इस सप्ताह जो है उनको काफ़ी याद करते हैं, और कहीं ना कहीं ये सप्ताह लोगों के बीच कई संदेश भी देता है। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहे झारखंड न्यूज़ 9 के साथ, मैं रिपोर्टर नेहा।